हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द डिस्कवर स्टडी। तो जैसे कि हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसमें पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। पार्लियामेंट हमारे पार्ट 5 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल नंबर 79 से शुरू होता है। हमने पुराने आर्टिकल्स पहले कवर कर लिए हैं, आज हम कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 107 से 111 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 107। आर्टिकल नंबर 107 कहता है कि आर्टिकल नंबर 109 जिसमें मनी मिल के प्रोविजंस हैं, और आर्टिकल नंबर 117 जिसमें फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के प्रोविजंस हैं, उनको छोड़ के जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं वो सब कहाँ ओरिजिनेट होंगे, वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकते हैं, मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं कोई भी हाउस उनको। अब सबसे पहले जो बिल्स होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। सबसे एक जो सिंपल बिल होता है वो ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद मनी बिल होता है, उसके बाद फाइनेंशियल बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल बिल में क्या काम होता है वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट इसका क्लॉज बोलता है कि आर्टिकल नंबर 108 यानी कि जॉइंट सिटिंग, और आर्टिकल नंबर 109 यानी कि मनी बिल को छोड़ के जितने भी बिल्स हैं वो कैसे पास होंगे, वो दोनों हाउसेस से पास होंगे, कि पहले जो हाउस इंट्रोड्यूस कर रहा है वो पास करे, फिर दूसरा हाउस भी पास करे, और इनके पास करने के बाद प्रेसिडेंट असेंट दे, ऐसे ही कोई बिल एक्ट बनेगा। अब इसमें बताया गया है कि कब कब बिल लैप्स नहीं होता, यानी कि गिरता नहीं है, वो ऐसे के ऐसे ही रहता है, उस पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। और ये क्वेश्चन भी आ रखा है बहुत बार एमसीक्यूज में, यूपीएससी में। फर्स्ट, कि अगर वो बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, पार्लियामेंट मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में पेंडिंग है, वो अगर हाउस प्ररोग हो गए, प्ररोग का मतलब होता है कि सेशन खत्म हो गया लेकिन लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है। लोकसभा क्यों डिसॉल्व, सिर्फ लोकसभा के बारे में क्यों बात कर रही हूं मैं, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होता, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। उसमें जब नेक्स्ट सेशन शुरू होगा तो वहां पे कंटिन्यू करी जाएगी जितनी भी बातचीत है। फिर दूसरा प्रोविजंस कहता है कि अगर कोई बिल काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में पेंडिंग है, और जो हाउस ऑफ द पीपल है लोकसभा ने उसे पास नहीं किया है, और वो लोकसभा गिर गई है, डिसॉल्व हो गई है, मतलब जब डिसॉल्व का मतलब होता है कि लोकसभा ही खत्म हो गई, अब नई लोकसभा इलेक्ट होके आएगी, तो भी वो बिल लैप्स नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी बिल जो कि पेंडिंग है हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा में, और वो लोकसभा ने उसको पास भी कर दिया, और उसके बाद वो पेंडिंग हो रहा है राज्यसभा में, तो आर्टिकल 108 को छोड़ के, मतलब जॉइंट सिटिंग वाले प्रोविजंस को छोड़ के, वो बिल उधर ही गिर जाएगा, क्योंकि जो वो बिल में चीजें थी, जो बिल में जो लेजिस्लेशन थी, वो एक पर्टिकुलर लोकसभा ने बनाई थी, उसको कॉन्स्टिट्यूट की थी, लेकिन अब वो लोकसभा ही डिसॉल्व हो गया, तो जो नई लोकसभा आएगी उनके बिल्स अपने हिसाब से होंगे इस वजह से। फिर आता है आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108 बोलता है कि अगर एक बिल, कि हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, एक हाउस ने पास कर दिया है और दूसरे हाउस तक भेजा है, दूसरा हाउस ने, समझ लो तीन केसेस हो गए, फर्स्ट की वो रिजेक्ट कर लिया दूसरे हाउस ने, सेकंड की जो दूसरा हाउस ने अमेंडमेंट दी, कुछ सुझाव दिए कि ये भी आप संशोधन दिए, लेकिन पहला हाउस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और तीसरा 6 महीने से ज्यादा हो गए दूसरे हाउस के पास बिल गए हुए, तो इन तीनों केसेस में क्या होता है कि बिल में लेजिस्लेशन में स्टॉपेज आ गई है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो प्रेसिडेंट के पास पार है, याद रखिएगा प्रेसिडेंट के पास पार होती है और किसी के पास नहीं होती, कि अगर बिल गिरा नहीं है, एक कंडीशन है, अगर बिल गिरा नहीं है, अगर है अभी भी वो फंसा पड़ा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि अगर तो हाउस बैठ रहे हैं, उनकी सिटिंग चल रही है, तो मैसेज भेज सकते हैं, नहीं तो पब्लिक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं अगर वो हाउस नहीं बैठ रहे तो, कि उनको समन करें, यानी कि समन का मतलब होता है बुलाना, उनकी हाजिरी मांगना, कि आप ज्वाइंट सिटिंग रखिए, ज्वाइंट सिटिंग मतलब दोनों साथ में बैठेंगे, और फिर उस जिस भी पर्पस से, जिस भी रीजन से वो बिल पास नहीं हो रहा है, उस पे आप बातचीत कीजिए, लेकिन ये सारी चीजें मनी बिल पे लागू नहीं होती। अब क्यों, इसका रीजन क्या है, वो हम आगे देखेंगे। अब ये जो 6 महीने हम काउंट कर रहे थे तीसरे पॉइंट में ऊपर, उसमें अगर कोई हाउस प्ररोग हुआ है यानी कि सेशन खत्म हुआ है या फिर एडजर्न हो गया है, तो उस 4 से ज्यादा दिन के लिए, तो हम उस
चार से ज्यादा दिन को इन सबको काउंट नहीं करेंगे। अब अगर प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया पहले ही, प्रेसिडेंट सुप्रीम सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्होंने बोल दिया कि हाउस को बुला लिया ज्वाइंट सिटिंग में, तो उसके बाद वो दोनों हाउस सेपरेटली उस पर कुछ आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। अब उनको ज्वाइंट सिटिंग में ही प्रेसिडेंट के सामने ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब ज्वाइंट सिटिंग में जो पुरानी अमेंडमेंट थी जिसपे मामला सारा फंसा हुआ था, तो उस पर बातचीत होती है और वोटिंग होती है। वोटिंग किससे होती है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस, कि दोनों हाउस में जितने मेंबर्स हैं प्रेजेंट और वोटिंग, उसकी मेजॉरिटी। यानी कि अगर समझ लो 500 एग्जांपल के तौर पे, अगर लोकसभा में 500 मेंबर हैं और राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, तो 750 हो गए, और 750 में से समझ लो टोटल आए हैं 500, तो प्रेजेंट कितने हुए 500, और वोटिंग सब समझ लो उसमें से 500 में से 100 बंदे वोट ही नहीं कर रहे। अब कितने वोट कर रहे प्रेजेंट एंड वोटिंग, 400। तो 400 की मेजॉरिटी कितनी हुई, 201, तो वो मेजॉरिटी, उससे वो बिल पास होगा। अब ये जो ज्वाइंट सिटिंग में जो नई अमेंडमेंट्स हैं वो प्रपोज नहीं की जाती ज्यादातर, क्यों, क्योंकि ये जो बिल है, बिल अटका होता है जिन अमेंडमेंट्स में, उसी को देखा जाता है, वो वाली अमेंडमेंट जिससे टाइम लैप्स हो रहा हो या फिर जिनमें सहमति ना हो दोनों हाउसेस की। और जो पर्सन प्रिसाइड करता है इस ज्वाइंट सिटिंग को, उसका डिसीजन ही फाइनल होता है कि कोई न्यू अमेंडमेंट आप लेंगे कि नहीं देंगे। अब अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि ज्वाइंट सिटिंग होगी तो होगी, इसमें अगर हाउस ऑफ द पीपल का डिसोल्यूशन भी बीच में हो गया तो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 109। 109 आप याद कर लीजिएगा, मनी बिल से रिलेटेड है। अब जो भी मनी बिल है, मनी बिल की कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगा। सेकंड, अगर मनी बिल हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होके पास हो गया, तो फिर राज्यसभा में इसको ट्रांसमिट किया जाएगा, और राज्यसभा इसको, ऐसा नहीं है कि उनको भी वोटिंग करने का अधिकार है, उनको सिर्फ रिकमेंडेशन देने का अधिकार है, वो भी 14 दिन के अंदर अंदर जैसे ही उनको बिल मिल जाता है, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन अपनी दे के हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को फिर से देते हैं। अब हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा को ही पार है कि वो या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं उनकी रिकमेंडेशन या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं राज्यसभा की रिकमेंडेशन। ये है सेकंड इसकी कंडीशन। थर्ड है कि अगर हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा ने कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली, तो बिल जो मनी बिल है वो पास होगा दोनों हाउसेस से विद अमेंडमेंट, अदरवाइज हाउस ऑफ द पीपल से पास होगा वो विदाउट अमेंडमेंट। और अगर 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा ने बिल में कोई रिकमेंडेशन दी ही नहीं, तो वो बिल पास करा लिया जाएगा दोनों हाउस से, क्योंकि वो पीरियड खत्म हो चुका है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 110 यानी कि 110। अब हमने देख लिया कि मनी बिल अभी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही थी कि आधार को मनी बिल कैसे बनाया गया, तो इसमें लिखा गया है 110 में कि मनी बिल होता क्या है, कि कौन कौन सी चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि जो 110 के अंदर चीजें ये मेंशन करी गई है, इनके अलावा कोई चीज मनी बिल नहीं है। उसमें ये 6 चीजें हैं। फर्स्ट, कि कोई टैक्स को लगाना, उसे हटाना, उसको चेंज करना, उसकी ऑल्टरेशन करना और उसका रेगुलेशन, ये मनी बिल में आता है। दूसरा, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी लॉ की मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई बोरोइंग लिया है, यानी कि कुछ पैसा उठाया है या फिर कोई गारंटी ली है, तो वो भी मनी बिल के अंदर आता है। थर्ड, कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की जितनी भी कैपेसिटी है, जितना भी पैसा है और जो भी इनसे पेमेंट होती है, तो वो आता है मनी बिल के अंदर। फोर्थ, की अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। अप्रोप्रिएशन हमने 115-116 में पढ़ेंगे कि ग्रांट्स वगैरह ये सब देते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो भी इसके अंदर आता है। और वो सारी एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर चार्ज का मतलब होता है कि इस पे आपको वोटिंग की जरूरत नहीं होती, बस डिस्कशन जरूर हो सकती है, और वो सीधा सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चले जाएंगे, इसके लिए पार्लियामेंट से कोई लॉ पास कराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी आगे पढ़ेंगे हम सैलरीज वगैरह ये सब। और लास्ट होता है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है और इसकी कस्टडी, और ये जो भी ऑडिट किया हमने सेंटर का और स्टेट का अकाउंट, उससे रिलेटेड जितने इशू है वो। और एक और पॉइंट बोलते हैं कि जो सारे मैटर्स इन ए टू एफ से रिलेटेड हैं वो सारे। तो जब आधार बिल वगैरह आया था तो वो कहते हैं कि इंसिडेंटल, तो ये इसी पॉइंट पे बोलते हैं कि एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी मैटर्स, कि जो इनसे रिलेटेड चीजें हैं। अब कोई भी बिल मनी बिल नहीं होगा
सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुछ ऐसे फाइन लगाने हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी पेनल्टीज लगानी है, लाइसेंस और फीस लगा देनी है मतलब सर्विसेज की, जो कि लोकल पर्पस की है, मतलब लोकल अथॉरिटी के अंदर आती है और लोकल पर्पस के लिए ही है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि ये मनी बिल है कि नहीं है, तो किसका डिसीजन फाइनल होगा? तो स्पीकर ऑफ द हाउस का डिसीजन फाइनल होता है। और साथ ही साथ जब भी कोई मनी बिल पास किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है ये राज्यसभा में लोकसभा से पास करने के बाद, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है असेंट के लिए, मंजूरी के लिए 111 के अंदर, तो उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट लगा होता है स्पीकर के से साइन, जिसमें मेंशन होता है कि ये मनी बिल है। अगर स्पीकर उसको साइन नहीं करते हैं तो वो मनी बिल नहीं बना जाता। फिर लास्ट आर्टिकल आज का 111, जो बोलता है कि अगर ये बिल सारे बिल से रिलेटेड है, अगर कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया है तो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास चॉइसेस होती हैं तीन। फर्स्ट कि वो हाँ बोल सकते हैं एसेंट टू द बिल, दूसरा वो ना बोल सकते हैं विदहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम, और तीसरा तब वैलिड है जब वो मनी बिल नहीं है। अगर मनी बिल नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं, अगर मनी बिल है तो रिटर्न नहीं कर सकते। अब जो ऑर्डिनरी बिल है वो रिटर्न किए जा सकते हैं एक मैसेज के साथ कि आप एक बार दोबारा देख लो, दोबारा सोच लो, ये प्रोविजन हमें ऐसे लग रहे हैं। और लेकिन अगर जब हाउस ने दोबारा उसको सेम प्रोविजंस के साथ पास कर दिए तो प्रेसिडेंट फिर ना नहीं बोल सकते, उनको एसेंट देनी ही पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैटर्स में क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं, बजट वगैरह देखेंगे। थैंक यू, और रेगुलर वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब।